ओ भाई, बहुत प्यास लगी। यहाँ पर पानी रखा हुआ है, कैसे पहुंचूं मैं? कोशिश करता हूं। वैसे तो प्यास नहीं लगा है मुझे, चलो पी लेता हूं। अरे भाई, मुझे प्यास बहुत लगी है, मेरे को दे दो पानी प्लीज। वाह, मजा आ गया, लेकिन प्यास मुझे लगी नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टॉपिक है बी फार्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को जीपैट एग्जाम में अपियर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। तो जैसा कि अभी आप लोग को मैंने एक क्लिप दिखाया जिसमें दो लोग थे, एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, एक फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था, और वहाँ पर पानी रखा हुआ था। तो पानी का ज़रूरत किसको ज़्यादा था? फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स को। तो अल्टीमेटली आप कमेंट करके बताओ, या फिर आपने खुद फील किया होगा कि भाई पानी किसको मिलना चाहिए? फोर्थ ईयर वाले को मिलना चाहिए, लेकिन थर्ड ईयर वाले को पानी का प्यास लग भी नहीं रहा था और वो पानी पी गया, और इस कंडीशन में जो फोर्थ ईयर वाला है वो प्यासा रह गया। अब हम लोग बात करते हैं जीपैट में। तो वैसे तो लीगली देखा जाए तो जीपैट एग्जाम में बी फॉर्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अपियर होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जीपैट का फॉर्म भर देते हैं, और वो केवल इसलिए, उनका केवल यही बेनिफिट है कि उनको एक साल पहले प्रैक्टिस हो जाएगा कि भाई जीपैट का एग्जाम कैसे होता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि यदि आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाता है थर्ड ईयर में, तो ऐसे कॉलर खड़ा करने को मिलता है कि मैं तो जीपैट क्वालिफाइड हूं, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए। लिटरली ये चीज नहीं होना चाहिए। और यदि आप इस चीज के लिए जीपैट देते हो कि आपको एक पर्टिकुलर, आपको अपना असेसमेंट करना है कि भाई आपका जीपैट क्वालिफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो भैया बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर मॉक टेस्ट होते हैं, उसी सेम का मेरे खुद के एप्लीकेशन पे होता है, डॉक्टर पीके क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उसमें प्रीवियस ईयर के जीपैट क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप अटेम्प्ट करो, एग्जाम जैसे देते हैं वैसे पूरा प्रिपरेशन करके दो ना, और आपका जो भी मार्क्स होगा इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। यहां मैं अपना एप्लीकेशन का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, आप दूसरे एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, आपके एक थोड़े से बेनिफिट के लिए जिसका अल्टरनेटिव ऑलरेडी आपके पास है, जो स्टूडेंट्स बी फॉर्म फोर्थ ईयर में है उनका जो सीट है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मुझे लगता है कि हर साल कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे जो बी फॉर्म थर्ड ईयर में जीपैट का एग्जाम निकालते हैं। और जब आप ये बी फॉर्म थर्ड ईयर में अपना जीपैट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो वो जीपैट का स्कोर का वैलिडिटी होता तो 3 इयर्स है, बट वो स्कोर कार्ड आपके किसी काम का नहीं है। लीगली आप उसको कहीं पर नहीं दिखा सकते, बिकॉज एनटीए ने कहा है कि भाई जो जीपैट एग्जाम में अपियर होगा, आइदर वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा या फिर बी फॉर्म पास आउट हो चुका होगा, तो लीगली आप कहीं पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका बस एक ही बेनिफिट है कि आप ऐसे कॉलर खड़ा करके बोलोगे कि मैंने थर्ड ईयर में जीपैट क्वालिफाई कर लिया, और अपना भौकाल बनाओगे जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो किस कीमत पर आप बना रहे हो, आपके जगह पर 500 फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते तो वो एम फॉर्म में एडमिशन लेते, उनको स्कॉलरशिप मिलता पर मंथ 12,400 का, जो लगभग 2 साल में 3 लाख रुपए होते हैं, तो 500 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलता जो उस पर्टिकुलर जीपैट स्कोर कार्ड का सही से इस्तेमाल कर पाते, और लगभग उनको टोटल मिलाकर के 15 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता गवर्नमेंट से। ठीक है, तो सोचो आप भी फोर्थ ईयर में जाओगे, आपके साथ भी थर्ड ईयर वाले देंगे, आप पास आउट हो जाओगे फिर भी थर्ड ईयर वाले देंगे। तो इस तरीके से ऐसे लगभग हर साल 500 सीट वेस्ट जा रहा है, और वो स्कोर कार्ड का कोई मतलब नहीं है, लीगली उसका कोई यूज नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी बी फॉर्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जीपैट एग्जाम में अपियर होते हैं, उन लोग प्लीज अपियर ना हो, जिससे फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स का चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कॉलरशिप मिल पाए, और अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से एम फॉर्म कर पाए। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम लोग को जीपैट का प्रिपरेशन फोर्थ ईयर में करना चाहिए? तो नहीं भाई, आज की डेट में काफी कंपटीशन टफ हो गया है, जीपैट का प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए बी फॉर्म थर्ड ईयर में, मींस आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड ईयर यू हैव टू स्टार्ट योर जीपैट प्रिपरेशन। आप अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम आप मॉक टेस्ट वगैरह दो,
आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कहाँ पर हो, कितने पानी में हो, सब चीज़ पता लग जाएगा आपको। आपकी अच्छी तैयारी होगी तो डेफिनेटली आप जीपैट एग्जाम में भी अच्छा करो और फोर्थ ईयर में जाकर के जीपैट एग्जाम दो। यदि आपने फोर्थ ईयर पास आउट कर लिया है उसके बाद भी आप जीपैट एग्जाम दे सकते हो। आपका जो स्कोर कार्ड है वो पीएचडी के लिए भी वैलिड होता है। तो भाई मेरे तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है सभी से, जितने लोग भी बीफॉर्म थर्ड ईयर में अटेम्प्ट करते हैं जीपैट का, वो प्लीज़ अटेम्प्ट ना करें। ये इलीगल भी है बिकॉज लीगली परमिशन नहीं है और साथ में ये बहुत सारे फोर्थ ईयर के बच्चों का भविष्य जो बन सकता है उसमें ये रुकावट डाल रहा है। तो ये बात अल्टीमेटली वही हो गई कि प्यासे को पानी नहीं मिल रहा है और जो प्यासा नहीं है उसको पानी मिल जाता है जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आई होप मेरा मैसेज स्ट्रांगली आप सभी तक पहुंचा होगा और जितना ज़्यादा हो सके ये आप अपने जूनियर्स के साथ या फिर जो भी फार्मेसी फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो जीपैट एग्ज़ाम देते हैं फिर जीपैट एस्पिरेंट्स हो सकते हैं उन तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।